नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। आज हम राजस्थान के कोटा शहर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही शहर जिसका नाम सुनते ही हमारे सामने भविष्य को सवारने की तस्वीर उभरती है, जहाँ पर एक युवा छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को उनकी मंजिल की दहलीज तक लेकर जाता है। ऐसे ही सपनों का बोझ लेकर ये युवा छात्र शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में आते हैं। कभी ये बोझ छात्रों को उनका भविष्य बना देता है, तो कभी ये बोझ उनके कंधों को कमजोर कर देता है। हाल ही में कोटा में हो रहे कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के मामलों ने देश के प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा को बदल दिया है। हाल ही में कोटा में हुए कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के मामले ने शिक्षा की काशी को पूरे देश में धूमिल किया है। इसी महीने की 16 तारीख को बिहार के गया जिले के रामलखन कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के पास निवासी वाल्मीकि जांगिड़ नाम के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्र वाल्मीकि बीते 2 सालों से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वो महावीर नगर थाना इलाके के मनोज गौतम के मकान में किराए के रूम में रहता था। इससे पहले 11 अगस्त को 6 महीने पहले ही कोटा पढ़ाई करने के लिए आए यूपी के आजमगढ़ के छात्र मनीष प्रजापत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मनीष अनअकैडमी से जेईई की तैयारी कर रहा था। इसी अगस्त महीने की शुरुआत में ही यूपी के रामपुर निवासी मनजोत सिंह ने एक हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया था। मनजोत सिंह कोटा में 2 महीने पहले आया था और एलन कोचिंग संस्थान से मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। बीते कुछ सालों के मुकाबले इस साल अगस्त माह तक कुल 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। इससे पहले साल 2022 में 15, 2019 में 18 और साल 2018 में 20 और साल 2017 में 7 और साल 2016 में 17 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। इनमें अधिकतर छात्रों के सुसाइड के पीछे की वजह पढ़ाई में तनाव सामने आया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए हॉस्टल और पीजी के कमरों में स्प्रिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं। इसका डेमो भी कंपनी के कर्मचारी ने दिखाया है। हॉस्टल संचालकों का कहना है कि अगर उनके हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र में स्ट्रेस दिखता है तो उसे बात की जाती है, उसकी समस्याओं को सुना जाता है, साथ ही परिजनों से भी छात्र के तनाव के बारे में बात की जाती है। अगर कोटा के कारोबार की बात की जाए तो कोटा में करीब 12 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही 55 छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल एक छात्र पर रहने और खाने का खर्च अनुमानित लागत 2 से 2.5 लाख रुपए होता है। कोटा में 2 लाख से अधिक छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं और हर साल 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अपने सपनों को लेकर कोटा आते हैं। एक अनुमान ये भी कहता है कि भारत में 23 IIT में 17,385 सीट है, 32 NIT है जिसमें 23,954 सीट है, लेकिन इसकी तैयारी और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही छात्रों में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, छात्रों पर बढ़ते पढ़ाई के बोझ के कारण ही ये छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।